असलकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी स्टार्ट मैथ 643 मैटलैब लेक्चर नंबर 10। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अपडेट मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मैट्रिक्स अलजब्रा एंड मैथलैब, यानी हम मैट्रिक्स अलजब्रा को मैथलैब में किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन से हम कमांड यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स इन मैथलैब क्रिएट वैक्टर एंड मैट्रिक्स वेरिएबल, कि हम किस तरह से वैक्टर को क्रिएट कर सकते हैं और मैट्रिक्स वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं मैथलैब में। सम यूज़फुल ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स पे किस तरह से हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स अलजब्रा। मैट्रिक्स अलजब्रा में हम किस तरह से अपने मैट्रिक्स को डिस्कस करना है। फिर हमारे आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन, यानी हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं जो सेम ऑर्डर के भी हों या डिफरेंट ऑर्डर के हों, तो उन्हें मैथलैब में किस तरह मल्टीप्लाई करना है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमने डिटर्मिनेंट के लिए कौन सी कमांड यूज़ करनी है मैथलैब में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथलैब में हम रो ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने रो राइट करनी पड़ेगी। जब भी हम मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स को राइट करते हैं तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं और उनके दरमियान कॉमा या हमने स्पेस रखनी है। और अगर हमने रो को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स राइट करते हैं, ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखें, ये हमने एक रो मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया है। तो ये हमारे पास आ गया है रो मैट्रिक्स 2, 3, 4, 5 का। तो हम इस तरह से रो मैट्रिक्स को राइट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स राइट करना है जिसकी लेंथ हो 2 से 10, तो उसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी। अब हमने मैट्रिक्स लिखना है 2 से 10। सबसे पहले हम 2 राइट करेंगे, फिर हम कॉलन का यूज़ करेंगे और फिर 10। ये देखें, ये हमारे पास सेकंड रो मैट्रिक्स आ गया 2 से 10 तक, यानी इसमें हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमारे पास वेरिएबल आ गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक में जो डिस्टेंस हो वो 2 का होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जो यूज़ करना है, हम सी इज़ इक्वल टू, हमारा मैट्रिक्स स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। फिर हमने कॉलन का यूज़ करना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 का, हर वेरिएबल में 2 का डिस्टेंस हो। और एंड हम कर लेते हैं 20 पे, एंटर। ये देखें, तो ये हमारे पास जो थर्ड रो मैट्रिक्स आ गया है, ये हमारे पास 2, 4, यानी इसके हर वेरिएबल में 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम रो मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी हमें डिजिट पता होने चाहिए कि हमने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। और इसके अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, 4 का डिस्टेंस ले लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, डी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। अब देखें, ये नेक्स्ट हमारे पास 4 का डिस्टेंस आ गया इस तरह से। तो आपने भी सेम यही ऑपरेशन करने, और इस तरह से हम रो के ऊपर, मतलब कितनी भी हमें लेंथी रो लेनी हो, तो हम जस्ट 2 या 3 वर्ड राइट करके हम उसके मैथलैब में कोडिंग करके वो रो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह से मैथलैब में राइट कर सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को राइट करने के 2 भी हैं। फर्स्ट के हम रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उससे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड, अगर हमें कॉलम मैट्रिक्स राइट करना है तो हमने सेम यही मेथड अप्लाई करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, सेम वही तरीका है, ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स को राइट करते हैं। जहाँ पे हमने कॉमास का यूज़ किया था वहाँ पर अब हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे, 2, 3, 4, 5। ये हमने मैट्रिक्स ले ली है, अब हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया। ये देखें, ये फर्स्ट वे है कि हम कॉलम मैट्रिक्स किस तरह से जनरेट कर लेते हैं। सेकंड वे देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम एक रो मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे मैं लेती हूँ 4, 5, 6। ये हमने एक रो मैट्रिक्स ले ली है, तो अब हमने इसे कन्वर्ट करना है कॉलम मैट्रिक्स में। तो
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल राइट करने सी। अब हमने ले लेने रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेने, हमने सेम वही मैट्रिक्स राइट करना है बी और इसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा देनी, और जैसे ही हमने एंटर किया ये जो हमने रो मैट्रिक्स डिफाइन किया था तो ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से हम मैथलैब में रो और कॉलम मैट्रिक्स को अब इस ये ऑपरेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जीरो मैट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैथलैब में और आइडेंटिटी मैट्रिक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या कमांड यूज होंगी। अब हमने यहाँ पे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक राइट करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे ए इज इक्वल टू जीरोस टू। ये देखें ये हमारे पास 2x2 का जीरो मैट्रिक्स आ गए हैं। अगर हमें 1 का 3x3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी हम कमांड यूज करेंगे बी इज इक्वल टू 1 3। तो ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आ गया है 1 का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स हो वो मतलब उसके डायगोनल्स पे 1 हो और बाकी सब 0 हो, अगर हमने ऐसे मैट्रिक्स ड्रा करना है तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे EYE 4। ये देखें ये 4x4 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, यानी इसके जस्ट डायगोनल्स में 1 है और बाकी सब जीरोस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके डायगोनल में क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ ले लेते हैं 6 का। तो ये देखें ये इस तरह से हम यहाँ पे जितनी इसकी हमें जितने का मैट्रिक्स आया, अगर हमें 4x4 का तो हमने यहाँ पे 4 राइट किया, अगर हमें 6x6 का चाहिए तो हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं मैथलैब में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैथलैब में कैसे ले सकते हैं, यानी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कमांड यूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं वी इज इक्वल टू पास्कल की कमांड। पास्कल हम यहाँ पे 3 का ले लेते हैं। ये देखें हमने ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमने जस्ट कमांड राइट करनी है पास्कल 3x3, तो ये मतलब खुद जनरेट कर देगा ये मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमें एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट कमांड यूज होगी, उसके लिए हम ले लेते हैं यू इज इक्वल टू मैजिक 3। ये देखें तो ये हमारे पास आ गया एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम मैथलैब में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम 2 मैट्रिक्सों को इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जेड ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू वी प्लस यू। ये देखें हमने सिंपल कमांड राइट करनी है जेड वी को यू में प्लस करना है, तो हमने इस तरह से इसे प्लस कर देना है। अगर हम चाहते हैं कि हम यू में से वी को माइनस करें तो उसके लिए भी हम ले लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल यू माइनस वी। ये देखें तो ये इस तरह से हमने माइनस की कमांड यूज़ करनी है। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे मैथलैब में। ए इज इक्वल टू, अगर हम जो हम पहले कमांड यूज करते हैं जस्ट स्टेरिक की कमांड यूज कर लेते हैं, देखते हैं वी स्टेरिक वी। ये देखें तो ये इस तरह से हमारे सामने, यानी वी मैट्रिक्स को हमने वी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, वी जो कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स डिस्क्राइब किया था तो हमने जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3, 6, 10 इस तरह से आ गए हैं। अब हम किसी मैट्रिक्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर हम ए को डिवाइड करना चाहते हैं यू पे तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे ए डिवाइडेड बाय यू। तो ये हमारे पास जब हमने ए को यू पे डिवाइड किया तो इस तरह से ये हमारे पास मैट्रिक्स यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं मैथलैब में। नेक्स्ट हम सम लेने जाते हैं मैट्रिक्स का, उसके लिए क्या कमांड यूज़ होगी हम वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लेते हैं 3x3 का। वी इज इक्वल टू
ब्रैकेट 1, 1, 2, 3। फिर हमने जब रो को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे, फिर सेमी कॉलन, फिर हम ले लेते हैं 3, 4, 3, 4, 5। फिर हमने सेमी कॉलन का यूज करना है, फिर हम ले लेते हैं 6, 7, 2। और लास्ट में हमने ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने इसे सम करना है, तो इसके सम करने के लिए हमने सम कमांड का यूज़ करना है। हम यहाँ पे ले लेते हैं a = sum, किसका सम करना है, v का। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सम कमांड यूज़ की है तो इन्होंने v का सम किया। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, 6 और 3 हमारे पास, 9 और 1 10, तो इन्होंने कॉलम का सम किया है, रो का सम नहीं किया, क्योंकि मैटलैब जो होता है वो हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो कॉलम पे परफॉर्म करता है। अगर हम चाहते हैं इसका हम रो का सम लें तो पहले हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर इसका सम और फिर अगेन इसका ट्रांसपोज, तब हमारे पास ये रो का सम आएगा। तो हम इसे भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये करना है। सबसे पहले बी हम ले लेते हैं इसी मैट्रिक्स वी का ट्रांसपोज। वी के ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको बताया था वी के ऊपर हम प्राइम डाल देते हैं, तो ये हमारे पास वी का आ गया ट्रांसपोज। अब सेकंड ऑप्शन क्या करना है, हमने सम ले लेना है। सम किसका लेना है, हमने सम बी का, कैपिटल बी यूज किया था, तो ये हमारे पास सम आ गया बी का। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास सम तो आ गया, अब हमारे पास जो सम है ये कॉलम वाइज है तो हमने इसे रो वाइज करना है, तो हम इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे। d = c ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारे पास सम जो हमने लेना था रो वाइज। तो इस तरह से हमने ये परफॉर्म करना है। देख लेते हैं कि हम डायगोनल एलिमेंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये आ गया हमारे पास 2, 3, 4 सेमीकोलन, 2, 6, 8 सेमीकोलन, फिर आ जाता है 2, 1, 9। तो ये हमने ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है। तो सबसे पहले हमने इसके डायगोनल एलिमेंट फाइंड करने हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ले लेने b = उसके लिए हम डिक की कमांड यूज करेंगे, डिक, और डायगोनल किसके फाइंड करने हैं, a के। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे a राइट कर लेंगे और एंटर। ये देखिए ये हमारे पास इसके डायगोनल एलिमेंट आ गए, ये देखिए 2, 6 और 9 इसके डायगोनल एलिमेंट थे, तो ये हमने इसके डायगोनल एलिमेंट फाइंड कर लिए। अब हमने इसका सम फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, यूज द कॉलन और एंड कमांड, कॉलन और एंड कमांड को यूज करते हुए हमने इसका सम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, जिसमें हम इसका आंसर स्टोर करना चाहते हैं, c = sum। फिर हमने ब्रैकेट में राइट करना है हमारे पास जो हमने वेक्टर डिफाइन किया a। अब हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं कॉलन कॉमा एंड ब्रैकेट बंद। ये देखें, यानी ये हमारे पास जो सम आएगा, यानी इसके लास्ट रो और लास्ट कॉलम का सम आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी एंड रो यानी एंड कॉलम का सम आ गया। अगर हम यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे सेम यही कमांड यूज करनी है। यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हम डी ले लेते हैं, और सेकंड का चाहिए तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे, 2, एंटर। तो ये हमारे पास 10 आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हम इस वेक्टर में कोई भी वैल्यू की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम ये 6 की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स में हम फिफ्थ पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास था 6, तो ये इस तरह से हम यहाँ से इसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए मल्टीप्लाईकेशन कैसे कर सकते हैं मैथलैब में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लियर ऑल सेमीकोलन, क्लोज ऑल सेमीकोलन। हम ये राइट कर लेते हैं। उसके बाद हमने दो वेक्टर ले लेने हैं, ये इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 सेमीकोलन, 4 5 6 सेमीकोलन। अब एक हम ले लेते हैं बी वेक्टर, बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 4 सेमीकोलन, 5 6 सेमीकोलन, 1 3। तो ये हमने दो वेक्टर ले लिए यहाँ पे। इसमें हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमने कैसे करने हैं वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लूप यूज़ करनी है। फॉर इसमें हमारे पास ले लेते हैं आई और जे से हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 1 1 colon 2 एंटर। फिर अगेन हमने फॉर लूप का यूज़ करना है। फिर हम यहाँ पे जे के वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इसके भी सेम 1 1 colon 2 ये हमने ले लिए। अब यहाँ पे हमने फंक्शन राइट करना है, उसे हम ले लेते हैं सी, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आई और जे, ब्रैकेट 1 इक्वल साइन। अब हमने ए ए को हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे आई कॉमा डबल कॉलन, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे स्टैरिक का यूज़ करना है, तो सेम बी का हमने ऐसे ही राइट कर लेना है। बी बी में हम सबसे पहले कॉलन, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे हम जे ले लेते हैं और ब्रैकेट 1, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन, यहाँ पे हम एंड, टू लूप यूज़ की थी तो एक और एंड, और लास्ट में हम सी। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस में हमने क्लिक करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल सी। यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि हमने सी को डिक्लेयर नहीं किया था। हम यहाँ से सी को रेज कर देते हैं और इसे अगेन रन करते हैं। रन एंड एडवांस में हमने क्लिक करना है, ये हमारे पास आ गया सी 14 25 35 46। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट में ये क्लोज कर देती हूँ। सी अब हम ना सिंपल स्टेरिक का यूज़ करते हुए भी इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी। ये देखें, अब हमने सिंपल स्टेरिक का यूज़ किया और वही आंसर आ गया हमारे पास, क्योंकि हम और ए और बी पहले ही हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने हमें डायरेक्ट आंसर दे दिए यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं हम डिटर्मिनेंट किस तरह से ले सकते हैं एक मैट्रिक्स का, और इनवर्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल टू डी ई टी, अगर हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, ब्रैकेट में कैपिटल ए एंटर। मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। तो हम पहले मैट्रिक्स को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू मैजिक 3। हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये देखें, ये हमने इस तरह से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। जस्ट हमने डी ई टी की कमांड को
यूज़ करना है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? यहाँ पे इन्वर्स के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे सी इज इक्वल टू आई एन वी। इन्वर्स हमें किसका चाहिए? ए का। ये देखें तो ये हमारे पास इस तरह से इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स शो हो जाएगा। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप ऑफ द मैट्रिक्स परफॉर्म ऑन द मैथलैब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।